हम में से बहुत से लोग दिन प्रतिदिन नए नए स्थान पर जाते हैं और नए नए लोगों के साथ में डिस्कशन करना पड़ता है। उनको हम उनका नाम पूछते हैं, उनका एड्रेस पूछते हैं, उनका जो जो भी है बेसिक डिटेल उनको हम पूछते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको नेपाली में कैसे परिचय करते हैं इसी के विषय में बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर बुद्धा। तपाईको नाम के हो? मेरा नाम रोशन हो। मेरो नाम रोशन हो। फिर से बताइए आप। मेरो नाम रोशन हो। इसका मतलब होता है कि मेरा नाम रोशन है। इसी प्रकार से जिसका जो भी नाम होगा, जैसे राम, श्याम, आदित्य, जो भी नाम होगा, तो मेरो नाम उसके बाद में उस नाम को जोड़ना है, राम हो, लास्ट में हो को जोड़ना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हम उनसे पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, तो उसको नेपाली में कैसे पूछेंगे। देखिए, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? मैं कालेगाउँमा बस्छु। इसका मतलब होता है कि मैं कालेगाउँ में रहता हूँ। जैसे कोई दिल्ली में रह रहा होगा, कोई आगरा, कोई हैदराबाद, जो जहाँ भी रह रहा होगा, तो वो इस प्रकार से कहता है। उदाहरण के तौर पर मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं दिल्ली में बस्छु। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं कि आप अभी कहाँ जा रहे हैं, तो इसको इस प्रकार से पूछेंगे, तपाई अहिले कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? म अहिले आफ्नो घरनिर जाँदै छु। इसका मतलब होता है कि मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ। जैसे कोई बाजार जा रहा होगा, तो नेपाली में उसको इस प्रकार से बोलेंगे, म बाजार जान्छु। या फिर कोई घूमने जा रहा होगा, तो इस प्रकार से कहेगा कि म घूमना जान्छु। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो इसको नेपाली में इस प्रकार से पूछेंगे, तपाईको घरमा कतिवटा फ्यामिली सदस्य हुनुहुन्छ? मेरो घरमा 5 नै 7 वटा। हाम्रो घरमा 7 वटा, या फिर मेरो घरमा 7 वटा परिवारका सदस्यहरू छन्। इसका मतलब होता है कि मेरे घर में 7 परिवार के सदस्य हैं। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि आप कितने तक पढ़े लिखे हो, तो इसको नेपाली में ऐसे पूछेंगे कि तपाईं कतिसम्म पढ्नु भएको छ? म अहिले 11 वर्ष पढिरहेको छु। इसका मतलब होता है कि मैं 11 में पढ़ता हूँ। तो आज के इस लेसन में हमने आपको किस तरह से नेपाली में परिचय करते हैं इसको सिखाया है बेसिक रूप से। फिर अगले अध्याय में हम इससे भी एडवांस सिखाने वाले हैं। और भी जो जो भी क्वेश्चन छूटे हैं उनको नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसका नेपाली में ट्रांसलेट कर देंगे। मेरे साथ में नेपाली टीचर रोशन बुढ़ा भी साथ में हैं। तो कहिए क्या कहना चाहते हैं दर्शकों को। सो दर्शकबिन, आपका तो सबसे पहले कि आपको देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए कि आप सब्सक्राइब कीजिए गाइज, और रेड का बटन दबा करके सब्सक्राइब कीजिए, फिर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए। ऐसे ही और नेपाली लैंग्वेज से रिलेटेड लेसन को पाने के लिए फिर अगले लेसन में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।